स्वागत है। आइए देखते हैं एक नजर आज के हेडलाइन पर। आजम खान ने कहा पाकिस्तान का एजेंट मैं हूँ या बिहार पीएम मोदी ने भागलपुर में किया 5 साल की सरकार का रिपोर्ट कार्ड। कांग्रेस को घेरा, पति को बुर्का पहनकर डिनर पर ले गई पाकिस्तानी महिला। अब खबरें विस्तार से। आजम खान ने इतना कहते हुए मौजूद लोगों के बीच मोदी है कहते दिखे गए। लोगों में उत्साह भरने के लिए आजम खान बार बार बताओ बताओ पूरे हिंदुस्तान को बताओ की रट लगाते देखे गए। लोकसभा चुनाव को लेकर जनसभा में संबोधित कर रहे समाजवादी पार्टी के नेता आजम खान ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पाकिस्तान का एजेंट बता डाला। आजम खान ने पाकिस्तान के मुख्य प्रधानमंत्री इमरान खान ने हाल ही में आए एक बयान का हवाला देते हुए पीएम मोदी को आड़े हाथ लिया। हाल ही में पाकिस्तान के पीएम इमरान खान ने कहा था कि भारत में अगर मोदी सरकार बनती है तो शांति वार्ता करने के लिए बेहद अच्छा मौका है। पीएम मोदी ने कहा कि गरीब को पक्का मकान रसोई गैस देने का काम पहले नामुमकिन लगता था, इसे मुमकिन बनाने का काम भी इसी प्रधान सेवक ने किया है। नेताओं को अपने आंगन तक चकाचक सड़कें पहुंचाते आपने देखा है। बिहार के गांव-गांव तक सड़कें पहुंचाने का बीड़ा आपके इस चौकीदार ने किया है। भागलपुर में एक चुनाव जनसभा को संबोधित किया, अपने 5 साल के कार्यकाल की उपलब्धियां गिनाई। पति को बुर्का पहनाकर डिनर पर ले गई ये पाकिस्तानी महिला इंटरनेट पर वायरल हो रहा है मजेदार पोस्ट। पाकिस्तानी जोड़ों का एक पोस्ट आजकल सोशल मीडिया पर खूब वाहवाही बढ़ रहा है। पाकिस्तान के एक कपल ने ट्विटर पर रूढ़िवादी सोच के खिलाफ व्यंग एक पोस्ट शेयर किया है जो बेहद दिलचस्प है। दरअसल पाकिस्तान में एक कपल ने पति को बुर्का पहनाते हुए यह पोस्ट शेयर किया है। टेमिनस न्यूज लाइव की खबर देखने के लिए एमएनएस हिंदी ऐप आज ही प्ले स्टोर से डाउनलोड करें और हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर करना बिल्कुल भी ना भूले। तब तक के लिए धन्यवाद।